हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता हो गया होगा कि कानपुर यूनिवर्सिटी ने बीए सेकेंड ईयर का जो रिज़ल्ट है उसे डिक्लेयर कर दिया है। तो आप ऐसे काफ़ी सारे बच्चों के जो कमेंट आ रहा है कि वेबसाइट नहीं खुल रही है, वेबसाइट बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रही है। बीए का रिज़ल्ट आने के बाद वेबसाइट प्रॉब्लम कर रही है, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, तो कैसे आपको रिज़ल्ट चेक करना है इसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। वीडियो को कैसे देखना है, पूरी कम वीडियो को कंप्लीट देखना, तभी इस वीडियो में आपको रिज़ल्ट देखने के लिए आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो फाइनली कानपुर यूनिवर्सिटी ने बीए सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट जारी कर दिया है वेबसाइट पर। कुछ दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, तो कोई कानपुर यूनिवर्सिटी के कोई लेटेस्ट अपडेट कोई खास नहीं आ रही थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। तो फाइनली यहाँ पर गुड न्यूज़ आ चुकी है कि बीए जो सेकेंड ईयर के छात्रों का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो सीधा चलते हैं हम वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको बताते हैं। अभी मैं कुछ देर पहले वेबसाइट को ओपन कर रहा था, तो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर मैं फिर से चेक करके देखता हूँ कि यहाँ पर मैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की वेबसाइट को ओपन करके देखता हूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं ये वेबसाइट फाइनली चलने लगी है, यहाँ पर ये ओपन होने लगी है। अभी जस्ट रिज़ल्ट आने के तुरंत बाद मैं चेक कर रहा था इस वेबसाइट पर रिज़ल्ट, तो काफ़ी सारे बच्चों का जो रिज़ल्ट चेक कर रहा था तो वेबसाइट बिल्कुल ओपन ही नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा इसके बारे में वीडियो बनाया जाए, तो फाइनली वेबसाइट चलने लगी है। तो मैं यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ कि आपको रिज़ल्ट कैसे चेक करना है। तो आपको यहाँ पर आना है, सीधा आपको इस पर आ जाना है, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको रिज़ल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रिजल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैंने रिजल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। तो वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने दूसरा इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर आपको एनुअल सेमेस्टर के ऑप्शन पर आपको फिर से सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये कानपुर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल रिजल्ट चेक की वेबसाइट पर आप आ चुके हैं। अगर आप इसका डायरेक्ट लिंक चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज करिए, वहां पर आपको इसको डायरेक्ट बता दूंगा कि कैसे आपको चेक करना है। उसके बाद यहां पर आपको सेलेक्ट करना है सेशन को, 2021-22 को आपको सबसे नीचे वाला आपको सेलेक्ट करना है, 2021-22। तो यहाँ पर मैं 2021-22 को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको एग्ज़ाम टाइप में यूजी सेलेक्ट करना है। जैसे आप यूजी सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर एग्ज़ाम टाइप सर्च करना है रेगुलर। उसके बाद यहाँ पर आपको रेगुलर सर्च करने के बाद दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर कोर्स को सेलेक्ट करना है। तो फाइनली यहाँ पर आप बीए का यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो फाइनली मेरे पास किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर अभी नहीं है, कोई भी मुझे रोल नंबर भेजा नहीं है। तो यहाँ पर आप अपने अपने रोल नंबर को मेंशन करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आपका सभी का रिजल्ट यहां पर चेक करके बता सकता हूं। उसके बीए सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको जो यहां पर दिख रहा है आपको क्या करना है, आपको यहां पर ईयर सेलेक्टर, यहां पर आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीन ऑप्शन आएंगे, तो आपको फर्स्ट सेकेंड ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर डालना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप सेकेंड ईयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है, बीए सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ गया है। तो आपको क्या करना, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना सेकेंड ईयर का। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर को एंटर करना, सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना, तो आपका जो रिजल्ट है आपके सामने आ जाएगा। तो फाइनली मेरे पास किसी भी स्टूडेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पर मैं रिजल्ट चेक करके नहीं बता सकता हूँ। तो जैसे ही आप लोग कमेंट करेंगे मैं फिर से वीडियो बनाऊँगा कि रिजल्ट कैसे चेक करना, सभी के रिजल्ट चेक करके लाइव बताऊँगा। तो फाइनली जल्दी से कमेंट करिए, अपनी अपनी प्रॉब्लम लिखिए, आपके मोबाइल पर भी प्रॉब्लम आ रही है, वेबसाइट नहीं खुल रही है, कैसे रिजल्ट चेक करना है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको मोबाइल पर वेबसाइट प्रॉब्लम करती है तो सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पर क्रोम से चेक करना